गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल अष्टी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पर आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ होता है CO2, NADP, H2O या PGA। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। इस ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ होता है H2O। H2O का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरे पीले रंग का प्रकाश अवशोषित करता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल एवं कैरोटीन, ऑप्शन बी फाइटोक्रोम, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन एंड ऑप्शन डी फाइकोएरिथ्रिन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइकोएरिथ्रिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरे पीले रंग का प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय पौधों में प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक क्रिया संपन्न करता है। ए प्राबैंगनी, बी नीला, सी सुदूर लाल एंड डी लाल। तो स्थलीय पौधों में प्रकाश का लाल तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक क्रिया संपन्न कराता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना किसके सहयोग से होता है। N2 एवं P यौगिकों के, MN एवं Cl आयनों के, Fe एवं उच्च अस्फीति दाब के, Cu एवं MO परमाणुओं के। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना MN एवं Cl आयनों के हेल्प से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांट्रियोसोम के बाहर ATP संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है। O2 की, वसा अम्ल की, प्रकाश की या एसिटाइल COA का। तो कांट्रियोसोम के बाहर ATP के संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीनॉइड्स का प्रमुख कार्य है प्रकाश की ऊर्जा को ATP में बदलना, प्रकाश की ऊर्जा को NADPH2 में बदलना, उपयुक्त दोनों के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट को अति आवश्यक अपचयन से बचाना या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश अपचयन से बचाना। तो कैरोटीनॉइड्स का प्रमुख कार्य होता है क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश अपचयन से बचाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्विन चक्र किसमें संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट या ग्लाइऑक्सीसोम। तो कैल्विन चक्र जो है वह क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। कैल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट में अस्ट्रोमा क्षेत्र में संपन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन बंध किसके मध्य होता है। H और H के बीच, O और O के बीच, H और O के बीच, H और OH के बीच। तो जल में जो हाइड्रोजन बंध होता है वह H और OH के बीच होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लगातार बढ़ते ताप में शोषण दर से पहले प्रकाश संश्लेषण की दर कमी होती है। दोनों में वृद्धि तथा कमी निश्चित नहीं होती है। दोनों साथ साथ कम होते हैं या प्रकाश संश्लेषण की दर से पहले शोषण दर कम होती है। तो लगातार बढ़ते ताप में शोषण दर से पहले प्रकाश संश्लेषण की दर कम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिकाओं में साइटोक्रोम किसकी तरह कार्य करता है। H2O ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही,
CO2 ग्राही या ऑक्सीजन ग्राही। पादप कोशिकाओं में साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह वर्क करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त हुई ऑक्सीजन का स्रोत होता है एक प्रकाश संश्लेषण एंजाइम, जल, पत्ती में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स या CO2। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वह जल से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक विलेय का स्थानांतरण अथवा फ्लोएम में होकर कार्बनिक विलेय का परिवहन होता है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, केंद्र से पार्श्व की ओर या इनमें से सभी दिशाओं में। तो कार्बनिक विलेय का स्थानांतरण अथवा फ्लोएम में होकर कार्बनिक विलेय का परिवहन होता है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, केंद्र से पार्श्व की ओर, इनमें से सभी दिशाओं में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड, व्रिंग, टिड्डा या बड़ी। तो एफिड जो होता है वह पौधे के रस को चूसने वाला एक छोटा कीट है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जाइलम रस की सांद्रता के बारे में सही क्या है? कि वह फ्लोएम से अधिक होती है, कि वह फ्लोएम से कम होती है, कि वह फ्लोएम के बराबर होता है या कि वह कभी बराबर कभी कम होता है। तो जाइलम रस की सांद्रता फ्लोएम से कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोएम में से शर्करा प्रवाहित होती है एम्पोप्लेस्ट द्वारा, आभासी मुक्त समिष्ट द्वारा, कोशिका छोर पर पाए जाने वाले गर्तों द्वारा या कोशिका छोर पर पाए जाने वाले छिद्रों द्वारा। तो फ्लोएम में से शर्करा प्रवाहित होता है कोशिका छोर पर पाए जाने वाले छिद्रों द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण संपन्न होता है माल्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में या मंड के रूप में। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में संपन्न होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, काटे जाने पर निम्नलिखित में से किसमें मीठा रस निकलता है? वाहिनी का, वाहिका, चालनी नलिका या जाइलम। तो चालनी नलिका को काटने पर मीठा रस निकलता है। चालनी नलिका फ्लोएम उत्तक के जीवित घटक को चालनी नलिका कहा जाता है, इसे काटने पर मीठा रस निकलता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं भित्ति दाब और अस्फीति दाब प्रवणताएं प्रदर्शित करता है? वाहिकाएं, वाहिनिका, चालनी नलिका या तंतु। तो चालनी नलिका कोशिकाएं भित्ति दाब और अस्फीति दाब प्रवणताएं प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की गति मंद हो तो प्रकाश संश्लेषण की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अप्रभावित रहेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? यदि कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की गति मंद हो तो प्रकाश संश्लेषण की गति घट जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेखला प्रयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों के संचलन से, ऑप्शन बी रसारोहण या पौधों में जल के संचालन से, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से एंड ऑप्शन डी खनिज तत्वों के परिवहन से। तो मेखला प्रयोग खाद्य पदार्थों के संचालन से, रसारोहण या पौधों में जल के संचालन से। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
वीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।